कॉर्ड में सबको दिक्कत है भाई, कॉर्ड में सबको दिक्कत। देखो भाई, इधर यू हैव अ क्वांटिटेटिव बेंट ऑफ माइंड और इधर यू डोंट हैव अ क्वांटिटेटिव बेंट ऑफ माइंड, ये दो चीजें होती हैं, नो ब्रेनर है, इधर यू हैव इट और इधर यू डोंट। बट मैं चाहता हूं पीपल हु डोंट हैव इट आर मेजरली द वंस हु हेटेड क्वांट एंड टेंशन। तो भाई उनको उनको पता होगा कि भाई मेरे को तो बेड़ा गर्क होने वाला है, उनको मैं दसवीं में से ही छोड़ी थी यार। क्वांट से प्यार तो करना पड़ेगा, प्यार नहीं करना है तो एटलीस्ट एम्ब्रेस तो करो, एम्ब्रेस तो करो। एम्ब्रेस कैसे करना है, ये आठवीं नवीं का मैच है, अपने दिमाग को प्लीज संभाल लो। सच्ची बताओ मेरा भी मैच वीक था, मेरा एट्थ नाइन्थ तक मैच वीक था, फिर टेंथ में एक बार नंबर आ गए 92 मैच के अंदर, 92 मार्क्स आ गए मेरे टेंथ में। हमारे जमाने में 92 बहुत होते थे, हमारे जमाने में, जिस मम्मी पापा बोलते ना हमारे जमाने में तो चीजें अलग थी। सच्ची बता रहा हूँ, हमारे जमाने में 82% पे फोटो लग गई थी मेरी नोटिस बोर्ड पे, आई श्योर ऑन गॉड। 82% टेंथ पे मेरी फोटो लगी थी, आजकल 82% हर बंदे को मिल रहा है। नेवरतheless तो भाई मैच से प्यार तो करना पड़ेगा। YouTube पे इतने सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, वो वीडियोज फॉलो करो। मैंने सुनाशु सर ने भी काफ़ी वीडियो सॉल्व किए हैं, पिछले साल की पूरी कैंपेन बनाई हुई है, एक सवाल रोज का, एक सवाल वो सब के सब पेपर्स अवेलेबल हैं। जो लोग घर से पढ़ाई करो YouTube से पढ़ाई कर सकते हो, जो लोग कैट की फैमिली ज्वाइन करो, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया आप लोगों के लिए, एक टॉपिक उठाना है एक हफ्ते में, एक टॉपिक सर इस हफ्ते में अलजेब्रा कर रहा हूं, जितना हो गया हो गया। अपने माइंड सेटअप में ये चीज़ प्लीज़ बांध दीजिए जिनका क्वांट वीक है, जितना हो गया एटीट्यूड। मतलब क्योंकि हमारा जो फाइनल गोल ऑफ क्रैकिंग कैट इज ओनली गेटिंग 50-60% टू गेट ऑल इंडिया टॉपर रैंक वन, और जिनको टॉपर नहीं बनना है टू गेट ओनली 33% मार्क्स। आर यू गाइस विद मी? 33% मार्क्स, जिनको कुछ नहीं, कुछ नहीं आता है। तो इसलिए पहले उठाओ, एक हफ्ता अरिथमेटिक, एक हफ्ता अलजेब्रा, एक हफ्ता ज्योमेट्री, ये तीन टॉपिक करो, एक बार खत्म करो, फिर अगले एक दो हफ्ते में मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम भी कर लो। और कोई गुरु ढूंढो, गुरु या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढो, अपना लोकल टीचर ढूंढो और अपना मैच प्लीज इंप्रूव करवा लो। अभी नहीं समझ आएगा तुम्हें, अभी नहीं समझ आएगा यार, अभी बिल्कुल नहीं समझ आएगा। तो यार क्यों नहीं समझ आएगा? बिकॉज दिस इज ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग कि यार कि अगर अभी पेपर हो जाएगा ना, तुम बाहर आओगे तो बोलोगे शिट आई शुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यार, शिट आई शुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसलिए मेरी जान उसको बैठ के सेट कर, अर्थमेटिक पे ज्यादा ध्यान दे एक हफ्ता, अल्जेब्रा पे ध्यान दे, ज्योमेट्री पे ज्यादा ध्यान दे, तीन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। Nearly 70-80% of the CAT paper is going to be there from this. तो भाई ये है तुम्हारा क्वांट्स का प्लान ऑफ एक्शन, पर छोड़ना नहीं और CAT के पुराने पेपर उठाओ और करते रहो। देखो स्पीड नहीं बनेगी तुम्हारी भाई, स्पीड नहीं बनेगी। Now in CAT you don't need speed. CAT is not a speed exam. सर क्या बोल रहे हो आप, मैं बता दूं क्यों? क्योंकि CAT के अंदर अपने को 60% पेपर सॉल्व करना है, ठीक है? आपके सामने आने वाले 66 सवाल हैं, 70 सवाल हैं, 76 सवाल इस रेंज के अंदर वेरी करेंगे। मान के चलते हैं चलो आपको 70 सवाल हैं, 60 सवाल आने वाले हैं, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, इसको 40 मिनट के अंदर डिवाइड करना है। 40 मिनट के अंदर 20 सवाल तो टॉपर भी सॉल्व नहीं करता है। ऑल इंडिया रैंक वन भी समवेयर अराउंड 17-18 क्वेश्चन सॉल्व करे, ऑल इंडिया रैंक वन, ठीक है, और 17-18 क्वेश्चन। तो 2 मिनट जो पर क्वेश्चन की स्पीड है ना, वो बहुत अमेजिंग है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अरे क्वेश्चन भी तो इसलिए तुम्हारी एक्यूरेसी डूब जाएगी। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जब स्टार्ट कर दो पहले 40 मिनट में 5 सवाल सॉल्व करने शुरू करो, बस 8 मिनट पर क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आएगा यार 8 मिनट में मैंने ढूंढने शुरू कर दिया, राइट? फिर उसके बाद 7, फिर फाइनल गोल टू स्टार्ट विद, नालायक बच्चों के लिए जिनको लगता है मेरे पॉइंट बहुत वीक है, सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन ठीक करने हैं। पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करने 40 मिनट के अंदर, 8 मिनट पर क्वेश्चन, 40 डिवाइड बाय 5, 8 मिनट पर क्वेश्चन। फिर बाद में फाइनल गोल टू स्टार्ट विद इज 8 क्वेश्चन सॉल्व करने 5 मिनट पर क्वेश्चन में, समझ आ रही है? 8 सवाल, 8 सवाल तुम्हारा ठीक हो गया, तुम्हारा 90% कैट हो गया, मजा। पहले यहां तक पहुंचो, तुम बड़े बड़ी बातें करो पहले यहां तक पहुंचो, और इसका अर्थमेटिक ज्योमेट्री दोनों ही सही है, ये तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ये तुम्हारा बेड़ा पार, तुम बस पढ़ने वाले बनो। लास्ट थिंग, डोंट लूज मार्क्स ऑन नेगेटिव मार्किंग कम व्हाट मे, डोंट लूज मार्क्स ऑन नेगेटिव मार्किंग कम व्हाट मे। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किलिंग, लव यू ऑल, स्ट्रीम को लाइक पकड़ होगी, ठीक है।